तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा इन्वर्स फाइंड करना, यानी एलिमेंट्री ऑपरेशन से हमें इन्वर्स फाइंड करने का क्वेश्चंस है। तो एक्सरसाइज 3.4 में हमारे ऐसे क्वेश्चंस दिए हैं, तो हम इसमें क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हम कुछ क्वेश्चंस को देख चुके हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास में है जो हमें क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन है हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है जो कि है 2 1 1 1। ठीक है, इसको हमें इन्वर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसको मान लेते हैं हम ए, ये मैट्रिक्स है हमारी ए। सबसे पहले हमें ये फाइंड करना होता है कि जो मैट्रिक्स हमारे पास में गिवन है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम 2 का मल्टीप्लाई 1 से करते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1, तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे 1। तो देखिए ए की वैल्यू कितनी आई है हमारी, नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब हमारा इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। यदि ये वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती है तब इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। 0 के अलावा कुछ भी वैल्यू आए, यहाँ पे 1 आई है, इसके अलावा कोई भी वैल्यू आए 0 के अलावा, तो हमारा इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो लिखेंगे इन्वर्स एग्जिस्ट। जब इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो हमें आगे फर्दर करना है। तो देखिए क्या करेंगे, जो हमारी मैट्रिक्स दे रखी है उसी सेम ऑर्डर का हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना होता है। जैसे मान लीजिए यहां पे हमारी मैट्रिक्स है 2 1 1 एंड 1। ठीक है, ये हमारी यहां पे मैट्रिक्स गिवन है, तो इसी ऑर्डर की यानी 2x2 की हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेनी है। तो ये हो जाएगी हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, ये हो जाएगी 1 0 0 1 एंड a। ठीक है, अब देखिए आपको एक टिप देता हूं। टिप ये है कि आपको जब इन्वर्स फाइंड करना है तो आप कोशिश करिए कि इस वाले इस एलिमेंट को, यानी यहां से स्टार्ट करिए इस तरीके से, ये फिर ये। ठीक है, यानी हमें इस 1 को क्या बनाना है, हमें इस 1 को 0 बनाना है। तो यहीं से आप स्टार्ट करिए। अब देखिए इस 1 को हम 0 कैसे बना सकते हैं, तो मैंने आपको बताया था आप या तो रो ऑपरेशन से कर सकते हैं क्वेश्चंस को, या फिर कॉलम ऑपरेशन से कर सकते हैं। रो से स्टार्ट किया तो रो से ही करेंगे, कॉलम से स्टार्ट किया तो कॉलम से ही करना है। तो यहां पे हम रो ऑपरेशन से करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हमारे पास में ये है हमारे पास में R1, ये हमारे पास में R2, ये होता है हमारे पास में कॉलम 1, ये होता है हमारे पास में कॉलम 2। तो देखिए मुझे R2 में ऑपरेशन लगाना है, तो R2 में मैं क्या ऑपरेशन लगाऊं कि ये मेरा 0 बन जाए। तो 0 बनाने के लिए मैं कर सकता हूं R2 टेंस टू 2R2 माइनस R1। देखिए इसमें मैं यदि 2 का मल्टीप्लाई कर दूं और R1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, घटा दूं, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, मेरा 0 हो जाएगा। तो मैंने ऑपरेशन लगाया R2 में, R2 टेंस टू 2R2 माइनस R1। ठीक है, अब देखिए क्या एलिमेंट आ जाएंगे हमारे, देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों मैट्रिक्स को लिख लेना है, ए लिख देना है। जिनमें कोई भी हमने ऑपरेशन नहीं लगाया है, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, R2 में ऑपरेशन है तो R1 में हमारा कोई ऑपरेशन नहीं है, उनको एज इट इज लिख दीजिए। तो R1 के एलिमेंट क्या है हमारे, 2 1 1 एंड 0। R2 में ऑपरेशन है तो हम ऑपरेशन लगा देते हैं। तो देखिए यहां पे 2 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस ये 2, तो ये हो जाएगा हमारा यहां पे 0। नेक्स्ट देखिए 2 मल्टीप्लाई बाई R2, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस R1 कितना है हमारा 1, तो 2 में से 1 गया तो 1, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे 1। अब यहाँ पे भी एलिमेंट चेंज हो जाएंगे, तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा -1, ये हो गया हमारा 0 माइनस का R1, तो R1 क्या है हमारा यहाँ पे एलिमेंट 1 है। नेक्स्ट देखिए ये, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस कितना है 0, तो ये आ जाएगा हमारा एलिमेंट 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए हमारे एक ही स्टेप से क्या हो गया, यहाँ पे दो जो एलिमेंट थे वो 1 और 0 यहाँ पे बन चुके हैं। ये हमें 0 बनाना था, ये हमें 1 बनाना, तो एक ही स्टेप से दो काम हो गए हमारे। अब देखिए मैंने आपको बताया यहाँ से आपको बढ़ना कहाँ है, यहाँ पे, और इस एलिमेंट को आपको कितना बनाना है, 0 बनाना है। तो देखिए 0 कैसे बनाएंगे, तो देखिए मैं यदि R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरा ये 0 बन जाएगा, देखो 1 में से 1 कट गया तो ये 0 बन जाएगा। तो मैंने ऑपरेशन लगाया ऑपरेशन इन R1, R1 टेंस टू R1 माइनस R2। ठीक है, R1 में से हमने R2 को घटा देना है। अब देखिए आगे, जब मैंने R1 में से R2 को घटाया तो R2 में ऑपरेशन नहीं है, एलिमेंट को सेम लिख दीजिए 0 1 माइनस 1 एंड 2। अब देखिए R1 में से R2 घटाया तो 2 में से हमने 0 घटाया तो हमारा कितना बचेगा, 2 ही बचेगा। 1 में से 1 गया तो यहां पे 0 बचेगा। यहां पे देखिए, यहां पे क्या करेंगे हम, R1 यानी 1 माइनस ये, यानी 1 माइनस माइनस 1,
तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो वन प्लस वन क्या हो जाएगा हमारे पास में टू। तो यहां एलिमेंट आएगा हमारा टू और यहां पे देखिए क्या आएगा जीरो माइनस टू, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का टू। तो ठीक है यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम, तो नेक्स्ट क्या आएगा देखो, इसको मैं रब कर देता हूं, ये आ गया मेरा ए। अब देखिए अब मेरा ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट अभी बचा हुआ है, इसको मुझे क्या बनाना है वन बनाना है। तो देखो यदि मैं आर वन में डिवाइड कर दूं टू से तो मेरा क्या हो जाएगा वन ही हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम ऑपरेशन लगाएंगे आर वन टेंस टू वन अपॉन टू आर वन, ठीक है। तो हमने आर वन में डिवाइड कर दिया टू से, अब देखिए क्या एलिमेंट आ जाएंगे यहां पर, जिसमें ऑपरेशन नहीं है उसको एज इट इज लिख दो। देखिए R2 में कोई ऑपरेशन नहीं है, मैंने R2 को एज इट इज लिख दिया। अब देखिए ऑपरेशन लगाया तो मैंने क्या किया 2 से डिवाइड करना है मुझे, तो 2 बन जाए 2 एंड दिस इज 0, ये हो जाएगा 2 अपॉन 2 कितना होगा 1 और ये हो जाएगा माइनस का 1। तो मेरा इनवर्स कितना आ गया, मेरा इनवर्स ये आ चुका। तो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, ए इनवर्स लास्ट में लिख देंगे, ये मेरा क्या हो गया ए इनवर्स 1 माइनस 1 माइनस 1 एंड 2। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियोस में।